और दोनों नॉडिक्स कंट्रीज़ हैं तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ हैं या फिर बहुत ही अलग है ये दोनों देश तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें शेयर करें हम दोनों ही इंस्टाग्राम पे भी हैं तो अगर आप शॉर्ट स्टोरीज़ या हमारी लाइफ कैसी है उनको देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम तो हैंडल्स जो हैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन पे हैं आप उनको हम दोनों को ऑफकोर्स फॉलो कर सकते हैं और ना ये वाला पर्टिकुलर व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है रीज़न बीइंग कि एक तो पहला ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन है किसी भी इंडियन यूट्यूबर के साथ तो और मैं किसी भी इंडियन यूट्यूबर वर्ड शायद गलत बोल दिया मैंने आ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं एक तो इतने बड़े हैं यूट्यूबर ये और उन्होंने बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बोला कि चलो करते हैं वीडियो कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉपिक डिसाइड किया फिर हमने फिर हम ऑनलाइन आएँ लाइफ में मैं चाहूँगी कभी एक मौका मिला ना क्योंकि ये वाला ब्लॉग तो ऑफकोर्स एक ऑनलाइन ही होने वाला है बट हाँ जैसे मैंने बोला लाइफ में अगर कभी मौका मिला और कभी हम नॉर्वे गए जब ये कोरोना वायरस की सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं पर्सनली इन दोनों से मिलना चाहूँगी बट बहुत सारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है इन द ब्लॉग जिसमें हम करेंगे थोड़े बहुत सवाल जवाब अरविंद जी से जिसमें उन्होंने हमें बताया है नहीं बोलूंगी कि क्या बताया चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड इनसाइड द ब्लॉग सबसे पहला सवाल अरविंद जी जो बहुत सारे लोगों के मन में एक्चुअली कन्फ्यूजन है वो आपसे अच्छा कोई सॉल्व नहीं कर सकता है कि क्या पढ़ाई वहाँ पे नॉर्वे पे करना फ्री है मतलब कोई भी के लिए आता है बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए तो क्या पढ़ना मुफ्त है या फिर उसकी ट्यूशन फीस लगती है चलो तो मैं स्टेप वाइज बताता हूँ देखिए बैचलर्स तो अगर आप ई से बाहर के देश से हैं तो आप बैचलर्स करने जनरली नॉर्वे में नहीं आ सकते राइट मोस्ट ऑफ द कोर्सेस के लिए सो नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द कोर्स के लिए यू नॉट अलाउड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट में आप डेफिनेटली आ सकते हैं बट सिंस हम बात मुफ्त पढ़ाई की कर रहे हैं सो आई जस्ट स्टिक टू द पब्लिक यूनिवर्टीज़ बट जब बात मास्टर्स की आती है तो आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी है? पूरे वर्ल्ड के लिए आज की डेट में मास्टर्स जो है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री मतलब कोई ट्यूशन फीस नहीं है बस एक सेमेस्टर फी है जिसका मतलब है कि एक सेमेस्टर में आपको लगभग सौ यूरो विच इज विच ट्रांसलेट्स टू मैक्सिमम दस हजार आपको देना पड़ता है तो अगर आपके चार सेमिस्टर्स है मास्टर्स में तो आप चालीस हजार रुपये ही देते हैं यूनिवर्सिटी को राइट तो ये तो होगी मास्टर्स की बात बट हाँ यहाँ पे अब एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट है ट्विस्ट ये है कि आज की डेट में पार्लियामेंट में एक जो डिस्कशन होनी है विच इज़ गोना डिसाइड कि भाई आगे वाले मतलब 2021 के बाद भी इन्होंने एजुकेशन फ्री रखनी है कि नहीं क्योंकि स्वीडन डेनमार्क में भी एजुकेशन पहले फ्री थी बट हैव चेंजड राइट तो अब इन्होंने आई थिंक फिनलैंड में भी पहले फ्री थी बट देव चेंजड इन टू दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट शुड पे बट देखते हैं नॉर्वे में ये बिल जो है या फिर आप इसे अगर बिल कहेंगे कि इट हैज बिन रिजेक्टेड थ्री और फोर टाइम्स पहले भी तो आई एम होपिंग कि इट इज़ रिजेक्टेड दिस टाइम ऑल्सो और एजुकेशन फ्री ही रहेगी और अगर बात पी की करें तो आई थिंक फिनलैंड और नॉर्वे दे आर दिटीज सिमिलर क्योंकि आप जब यहाँ एज अ रिसर्च स्कॉलर या एज अ पी आते हैं तो यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी जिसका मतलब आपको एक अच्छा खासा जो है जी स्टाइफन मिलता है आफ्टर टैक्स आपको नॉर्वे में मिलता है लगभग 2500 यूरो आफ्टर टैक्स विच इज़ मोर देन इनफ कि आप अपना अपनी बीवी का अपने बच्चे का अगर आपका है यू कैन ईजिली सस्टेन अ वेरी गुड लाइफ तो ये है फुल सिनारी यहाँ पे अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो भी स्टूडेंट से ही रिलेटेड है कि पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो क्या ईजी है वहाँ पर मिलना या फिर क्या लैंग्वेज का उसमें बैरियर है क्योंकि जब आप आए थे आई मीन उस चीज़ को काफ़ी साल हो गए तो आपने खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा तो इसके बारे में भी ऑफकोर्स थोड़ा सा बताइए हाँ जी तो देखिए मैं आया था सन 2012 में बट मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब के लिए ट्राई नहीं करा एंड द रीज़न वॉज क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाँच साल का एक्सपीरियंस था और मेरा ये था कि मतलब पैसे की इतनी दिक्कत भी नहीं थी मेरे को ये पता था कि अगर Uh, आप पार्ट टाइम जॉब्स पे जाते हैं जो कि जनरली क्या होती है पार्ट टाइम जॉब्स इन देशों में कि यू वर्क एज अ वेटर बार टेंटर तो वो फिज़िकली इट्स वेरी टॉयलिंग तो कहीं ना कहीं ना ग्रेड्स पे जो है उसका असर पड़ता था तो मेरा एक सिंपल फंडा फिन, था कि चलो दो साल मैंने सिर्फ पढ़ाई करनी है मैंने ना ज़्यादा पार्टी करी ना कुछ करी सिर्फ पढ़ाई करी क्योंकि मेरे को पी डी करनी थी मैं इस मकसद से मेरे दिमाग में था

अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दीज इंडियन रेस्टोर पाकिस्तानी रेस्टोर या फिर बैक एंड की जितनी भी जॉब्स होती है वहाँ पे और बात करेंगे अगर जैसे बड़ी सिटी है ऑस्लो है 600,000 पीपल आर लिविंग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है तो यहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है ऑस्लो उस बर्गन यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं बट अगर आप वहाँ कहीं सबर्व में चले जाते हैं तो डेफ़िनेटली एक ही इंडियन रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे और कम जॉब्स मिलेंगी तो विच इज़ वेरी इंटूटिव जी हाँ तो मतलब वही सेम फिनलैंड में भी यही सिनेरियो है कि यहाँ पे जो भी सर्विस वाली जॉब्स हैं उनके लिए फिनिश लैंग्वेज आना जरूरी है क्योंकि जो क्लाइंट्स आएंगे वो मेजरली फिनिश ही होंगे और उनके लिए जो है बात बात करने के लिए नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे भी मतलब लगभग सो दैट मीन्स नॉर्वे और फिनलैंड इस सेंस में बिल्कुल सिमिलर हम कह सकते हैं कि हैं

कई लोगों को तो फुल टाइम जॉब मिल जाती है क्योंकि मेरे साथ खुद यही हुआ था मेरे पास पाँच साल का एक्सपीरियंस था मैं मास्टर्स में अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही था कि मेरे को आई गॉट अ फुल टाइम जॉब तो मैंने मास्टर्स और फुल टाइम जॉब दोनों साथ में करी है तो दैट इज वाई जो है एक्सपीरियंस लेके आए यहां पे आपको पढ़ाई भी आसान लगेगी क्योंकि यहां पे बहुत एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होती है यहां पे वैसा नहीं है कि याद करके कुछ लिखना है आपने और आप उसी फील्ड में अगर होंगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब के चांसेस भी होंगे और साथ में फुल टाइम जॉब मिलने के भी चांसेज हैं सो दैट इज वन रिकमेंडेशन जो अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा आप लोगों को जी ओके okay, बटते अब नेक्स्ट सवाल में विच इज़ ऑफ अबाउट रेसिज्म एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग जानना चाहते हैं स्पेशली जो नेटिव कंट्री में वहाँ रह रहे हैं जिनके मन में है कि भाई पहले एक बार घर से निकल के आना है तो ऑफ कोर्स सबके मन में रहता है ये चीज़ तो क्या नॉर्वे में है रेसिज्म आपने कभी फेस किया है या आपने कभी किसी से सुना है इस चीज़ का एक्सपीरियंस इसके बारे में थोड़ा बताइए देखिए अगेन खुद पर्सनली तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आए कोई रेसिज्म मेरे साथ मतलब कहीं पे भी एज सच मैंने रेसिज्म नहीं एक्सपीरियंस किया है क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ जैसे एयरपोर्ट्स पे कई बार मैं जाता था मैं और शैलजा तो शैलजा है थोड़ी यूरोपियन लुकिंग उसकी लुक्स थोड़ी यूरोपियन लुकिंग है तो स्क्रीनिंग के टाइम उसको नहीं रोकते थे थो, मैं थोड़ा मतलब स्केप्टिकल लुकिंग फ पीपल हैव स्टॉप पुलिस ने मेरे को बहुत बार रोका है तो मैं उसको रेसिज्म नहीं लेता पर्सनली मैं उसका जो मेरा परसपेक्टिव है वो ये है कि इट इज़ फॉर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ठीक है ठीक है देर इज जनरल बाइसनेस दैट इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजन तो आपको ये रेसिज्म लगती है या नहीं लगती है वो आपका अपना पर्सनल टेम्परामेंट कैसा है दैट मैटर्स राइट अगर आपका पर्सनल टेम्परामेंट ऐसा है कि शक्की है फॉर एग्जाम्पल या फिर कि नहीं मेरे साथ रेसिज्म तो हुआ है देख उस हिसाब से तो मेरे साथ कई बार रेसिज्म है बट मेरा पर्सनल टेम्परा ऐसा नहीं है सो आई जस्ट इग्नोर इट एंडलेस कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि भाई इंडिया से है बट ऐसा कभी नहीं हुआ है सो आई वॉन्ट से और मुझे लगता भी नहीं नॉर्वेजियन जो है बहुत ही आ, अच्छे किस्म के लोग हैं वेरी ऑलवेज लाफिंग वेलकमिंग मेरा ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस इट्स वेरी गुड ओके तो मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को रेसिज्म वर्ड को कैसे यूज़ करना है और कैसे किस तरह से लोग सोचते हैं बेसिकली रेसिज्म को और कैसे डिफाइन करते हैं अपनी बाउंड्रीज़ में राइट right. अच्छा तो और एक और चीज़ थी जैसे आपने बताया कि मास्टर्स डिग्री जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है एक्सेप्ट जो सेमेस्टर फीस है बट क्या बच्चों के लिए जो स्कूलिंग है या जो डे केयर्स हैं क्या वो भी फ्री हैं या फिर उनकी कोई फीस स्ट्रक्चर है नॉर्वे में

कई लोगों को ये भी एक वो होता है कि इज इट फ्री ओनली फॉर अगर आप नॉर्वेजियन आपके पास पी आर है या फिर आप सिटीजन हो तो ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आप आते हैं मास्टर्स करने नॉर्वे में राइट right? और आपके साथ आपके स्पाउस और बच्चा फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा पे आते हैं तो आई थिंक यहाँ पे जो है स्पाउस वीज़ा दैट इज अ वेरी आई वुड से बहुत ही फ्लेक्सीबल किस्म का वीजा है विच मीन्स दैट कि आपकी स्पाउस शी कैन वर्क इन एनी सेक्टर विदाउट वर्क परमिट वन इज दैट और साथ ही साथ आपके जो बच्चे हैं दे कैन स्टडी फॉर फ्री इन पब्लिक स्कूल्स तो दे गेट ऑल द राइट अब आप चाहे एज अ मास्टर स्टूडेंट आए या एज ए पी एच डी आए या एज अ आप यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल आए जो फैमिली इमिग्रेशन का स्पाउस का वीजा है दैट इज स्टिल द सेम फॉर ऑल ऑफ दम द ओनली डिफरेंस इज आप मास्टर्स के साथ अपने स्पाउस को ला रहे हैं तो आपको एक जो है ब्लॉक्ड अमाउंट दिखाना पड़ता है एक गारंटी दिखानी पड़ती है क्योंकि यू आर नॉट अर्निंग राइट तो आपको बस वो पैसा दिखाना पड़ता है लगभग 24 से 25 लाख रुपए के आसपास पर ईयर बट दैट इज दिफरेंस उसके अलावा इट्स ऑल द सेम फैमिली तो मुझे लगता है इस चीज में भी फिनलैंड काफी ज्यादा है इन क्योंकि वही है जब स्पाउस के साथ आते हो तो स्पाउस को फुल राइट्स है वर्क करने के और जो भी बच्चा आता है तो उसको भी वही पब्लिक स्कूल्स में पढ़ना बिल्कुल फ्री है एंड लाइक यू से डे केयर में फ़ीस है मुझे फ़ीस नहीं पता है अभी यहाँ पे तो जैसे ही अब हमारी बेबी भी बड़ी होगी जब जाएगी वो तो पता लगेगा बट हाँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फीस तो हंड्रेड रहेगी वो भी वो फ्री नहीं है बट हाँ बाकी एजुकेशन जो बाकी सारी है वो फ्री है यहाँ पर भी इसी तरह की सो so, काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं चाहे दो अलग अलग देश हैं और बहुत डिस्टेंस पे हैं, बट फिर भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं मतलब दो देशों में चलिए अब थोड़ा सा मुझे लगता है वीडियो हम बिना वेदर के बात किए तो रह नहीं सकते ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑफकोर्स सब लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत ही अलग तरह का वेदर रहता है और नॉर्वे और भी ऊपर है फ्रॉम uh, फिनलैंड तो वहाँ का वेदर किस तरह का है फैट ऑक अबाउट विंटर्स या फिर अभी जैसे समर्स चल रही हैं तो लोग किस तरह की एक्टिविटीज पसंद करते हैं वहाँ पे करना पहले विंटर्स की डिप्रेसिंग विंटर्स की बात कर लेते हैं पॉइंट ये होता है कि देखिए डेफिनेटली डिफरेंट है इंडिया से डिफरेंट है बहुत ज़्यादा विंटर्स तो है हार्श होती हैं बट uh, अब देखो मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट आठ विंटर्स हो चुकी हैं तो इट्स नॉट लाइक कि हर विंटर एक समान थी कई बहुत खतरनाक विंटर्स थी बहुत मतलब बर्फबारी बहुत हुई बट कईयों में बर्फ़ हुई नहीं So तो ट है ठंडी लगती में क्या है कि जैसे आप बाहर, अगर बाहर दो डिग्री है ना तो घर के अंदर भी दो डिग्री ही टेम्परेचर है आपको उन्हीं कपड़ों में सोना पड़ता है जिसमें आप बाहर जाते हो बट यहां पे इट्स वेरी वेल इंसुलेटेड घर के अंदर आप समर्स के क्लोथ्स पहन सकते हैं बेशक बाहर बर्फ पड़ रही है तो यहां पर इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते हुए इस तरीके से कि कभी लाइट नहीं जाएगी जो कि शिमला में इट्स वेरी कॉमन लाइट चले जाती है आपके बसेस जो हैं दे आर फुली एयर कंडीशन तो आपको ठंड नहीं लगती दैट इज वन थिंग तो उस वे में विंटर्स का तो यह बट दूसरा जो इसका फैक्टर है दैट इज द लेंथ ऑफ द डे दैट कैन बी अ सरप्राइजिंग फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि भैया विंटर्स में कई बार क्या होता है सुबह दस बजे सूर्य आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ हो जहाँ हम थे स्टाबल में वहाँ दस ग्यारह बजे आता था और दो बजे चला जाता था बट अगर आप नॉर्थ नॉर्वे में हो वहाँ पे तो इट इज लाइक कि छः महीने दिन छः महीने रात जो हमने सिर्फ जियोग्राफिक बुक्स में पढ़ाई है सो दैट इज़ अ रियालिटी और समर्स इज कॉन्ट्रेड टू दैट लाइक लॉन्ग डेज एंड पीपल सेलिब्रेट समर्स ओवर ये मैंने देखा है तो उनको एक फेस्टिवल की तरह होती है मतलब यहाँ पे स्पेशली जून के टाइम में ये एक हॉलीडे पे देते हैं एक्स्ट्रा कि भाई समर्स आ रही है इन्जॉय करो तो आई थिंक वही जैसे पोलर बियर्स होते हैं ना कि दे छः महीने इन्जॉय छः महीने से हो जाओ तो सेम इज द फैक्टर क्योंकि हम एज एन इंडियन तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल था ये चीज कि हां गर्मियां हैं या सर्दियां हैं यहां पर नॉर्वे में आपने एज एन इंडियन किस तरह से उस एंजॉयमेंट को पर्स्यू किया या कुछ क्या एक्टिविटीज आप करते हैं जी देखिए शुरू की दो विंटर्स तो यही पकोड़े खा के समोसे खा के जो अपना इंडियन स्टाइल था वैसे ही करी राइट right? बट फिर क्या हुआ कि फिर की थोड़ी स्कीइंग कर लो और फिर विंटर्स में स्विमिंग करने जाओ स्विमिंग पूल के अंदर और फिर जब बच्चा हो गया तो उसके साथ देवर लॉट ऑफ थिंग्स तो खासकर अभी हमने स्कीइंग तो अभी हमने आई थिंक पिछले साल ही सीखी है एंड इट इज़ रियली फन आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप यहाँ हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि एक बार आपने वो सीख ली ना तो आपको विंटर्स में बाहर जाने का मन करेगा क्योंकि थोड़ी बॉडी में हीट आती है सो दैट इज द फिजिकल एक्टिविटी फिर जिम जाना ये सब चीज़ें करना विंटर्स में ये समर्स में तो बस कहीं पे भी अपना झोला उठाओ किसी भी बीच पे बैठ जाओ वही समर में स्विमिंग करो कयाकिंग हमने करी है यहाँ पे कयाकिंग करना फिर यहाँ पे विच इज़ वेरी कॉमन इन नॉर्वे विंटर्स और समर्स दोनों में कैबिन ट्रिप जो जिसे यहाँ पे हिते दूर बोलते हैं कि मतलब दूर चले जाओ ऑलरेडी यहाँ लोग कम हैं एंड देन दे गो टू द माउंटेन्स और वहाँ पे फिर हाइक करो ये सब चीजें हम बहुत करते हैं अब क्योंकि अब तो आठ नौ साल हो गए सो वी हैव टू डू इट राइट अदरवाइज फिर फील नहीं आती पूरी <laughs> वैसे तो जी काफी लोगों को ये चीज़ पता ही है कि शैलजा जी और अरविंद जी बिलोंग करते हैं शिमला से तो फिर ये सवाल पूछना तो बनता ही था ना कि भाई शिमला के जो हिल्स है और जो नॉर्वे के हिल्स हैं उनमें क्या अंतर लगता है इन लोगों को देखिए नॉर्वे में जो है जहाँ तक हमने घूमा है अभी राइट नॉर्वे में हिल्स है यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है हमारी शिमला साइड माउंटेन्स है विच इज लाइक पीक माउंटेन्स यू करके राइट right? और यहाँ पे क्या है यहाँ पे राउंडेड से हिल्स है सो दैट इज और आप जैसे ही जब हम ड्राइव करते हैं राइट स्वीडन स्वीडन बहुत फ्लैट है आपको एकदम पता लग जाएगा अगर आप बॉर्डर कंट्रोल्स के बिना भी चले जाएंगे ना कि हाँ हम स्वीडन आ गए स्वीडन इज लाइक टोटली फ्लैट और आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपको हिल्स दिखने लग जाते हैं तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही बड़े बड़े बहुत बड़े माउंटेन्स आई थिंक अब इतनी जियोग्रफी तो मेरी स्ट्रॉग है नहीं बट आई थिंक हाइस्ट जो है वो इतना ज्यादा नहीं बट शिमला में क्या है वो है जी जिसको आप बोलते हैं कि पहाड़ है लिटरली पहाड़ और यहाँ पे रॉकी ट्रेन बहुत है हमारी साइड जनरली क्या होगा ना आपकी बारिश हुई बर्फ हुई वो लैंड आ जाएगा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ हर चीज इट्स लाइक कंप्लीटली रॉक दैट इज तो फ्योर्ड एंड फेयल बोलते हैं पे तो फ्योर्ड जो है दैट इज ए नॉर्वेजियन वर्ड जो कि विच हैज गॉन इंटरनेशनल राइट यू शेप में पानी जा रहा है तो नॉर्वे में आई थिंक पता नहीं 200 से ज्यादा फ्योर्ड्स है तो नॉर्वे इज नोन एज लैंड ऑफ फ्योर्ड्स फ्यल्सो और okay. बस फील मतलब जो हम यहाँ माउंटेन्स बोलते हैं बट इट इज़ एक्चुअली हिल तो अब मैं मनाली मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मनाली ही है चाहे <laughs> मैं कहीं भी रहूँ तो मनाली के जो है मतलब स्नो कवर्ड लाइक माउंटेन्स उनसे अच्छा मेरे को कुछ नहीं दिखा आज तक मैं स्विट्जरलैंड भी गया था सो so, स्विट्जरलैंड की ब्यूटी आई प्रेफर मोर देन एक्चुअली नॉर्वे क्योंकि वहाँ पे हिल्स है तो so, ये डिफरेंस आई थिंक सो अब आते हैं हमारे लास्ट सवाल पे जो कि मुझे एक्चुअली मेरे लिए ये मेरा सवाल है बेसिकली मुझे पूछना था कि कैसे फिनलैंड के अंदर सोना कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा दिखता है कहते हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत लैक्स ऑफ साउनाज हैं और ये भी कहते हैं कि वो घर घर नहीं जिसके अंदर खुद का अपना सोना नहीं नॉर्वे में कैसा है क्या सोना कल्चर कॉमन है घरों में सोना है पब्लिक साउनाज हैं किस तरह से है तो देखिए कबीरा जी आई वुड से कि स्विमिंग पूल या स्विम हॉल जिनको यहाँ बोलते हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली सोनाज होते हैं हमने बहुत बार वहाँ करे हैं और उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि जो हिते या फिर कैबिन cabin है कैबिन में भी आपको ये मिलेगा बट घरों में इट इज़ नॉट दैट कॉमन बट हाँ इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो डेफिनेटली होगा जैसे कि हमारा जो पहला रेंटेड अपार्टमेंट था वहाँ पर सोना था, because the guy was rich, तो उसने उसने हमें भी उस अपने बच्चे के लिए अपार्टमेंट बनाया था and then he rented out us, तो वहाँ पे एक सोना था बट अगर मैं बाकी जैसे जिनके भी घर गया हूँ तो वहाँ पे आई सीन दैट कल्चर कि हाँ घर के अंदर तो नहीं है बट हाँ स्विमिंग पूल्स और अदर पब्लिक फैसिलिटीज में डेफिनेटली है तो जी बस यही थे हमारे सवाल थैंक यू सो मच अरविंद जी एंड शैलजा जी फॉर ज्वाइनिंग आई नो शैलजा जी नहीं है यहाँ पे शी इज देयर समवेयर एट द बैक स्क्रीन बट वो नहीं होती तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते अभी दैट इज ऑल्सो ट्रू वो बिहाइंड द बार्स वाला शो हमारा स्टील कर रही है एंड विच इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक बोथ ऑफ यू कि आप लोग आए स्पेशल चैनल पर आपने अपना टाइम दिया अपना फिर से अच्छा सा नॉलेज जो है नॉर्वे को रिलेटेड जो है हम लोगों से शेयर किया तो जी बस यही था आज अच्छा का ब्लॉग आई होप आप लोग को पसंद आया होगा स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम कि स्पेशली वो लोग हमारे चैनल पर आए और कैसे अरविंद जी ने इतनी डिटेल में हमें सारे जवाब दिए मतलब मुझे तो बहुत सारी क्लैरिटी मिली आई एम श्योर जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको भी इन सवालों के जवाब बहुत ही क्लैरिटी से मिले होंगे अब मैं इनके चैनल के बारे में क्या ही बोलूँ जी जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूँ कि मैं टैग कर रही हूँ नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे को अपने टाइटल के अंदर और अगर आप नॉर्वे के बारे में जानना चाहते हैं और भी चीज़ें जैसे कि उनका लाइफ कैसा है पढ़ाई के बारे में जॉब्स के बारे में ट्रैवल के बारे में फ़ूड के बारे में तो प्लीज़ उनके चैनल पे भी जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको विद रिस्पेक्ट टू तो नॉर्वे एंड अगर फिनलैंड के बारे में इंफॉमेशन चाहिए तो आप तो हैं ही इस चैनल में अगर वीडियोस हमारे पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें आई मीन वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ बाय